यदि आप भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, अब चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, चाहे एनपीएस हो, पीपीएफ हो, एफडीआरडी हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट स्कीम, आपको अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखना सभी को अच्छा लगता है। अब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस परसेंटेज के साथ ग्रो हो रहा है ये जानना भी जरूरी है। इसके लिए आपने अपने एसआईपी पोर्टफोलियो में अलग अलग टर्म जैसे कि सीएजीआर, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न आदि के बारे में सुन रखा होगा। तो आखिर ये रिटर्न कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाली जो टर्म है वो है क्या और किस जगह पर इसका उपयोग किया जाता है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में। ये आपको बताता है कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिला है। मतलब कि यदि आपने किसी स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और थोड़े समय बाद उसकी वैल्यू 20,000 रुपये हो गई है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो है 100% हुआ। इस एब्सोल्यूट रिटर्न में टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता है। अब चाहे आपके पैसे 3 साल तक इन्वेस्टेड रहे हो या फिर 5 साल तक। इसके फार्मूले की बात करें तो जो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है उसका फार्मूला होता है कि जो आज वर्तमान में वैल्यू चल रही है आपके इन्वेस्टमेंट की, मतलब करेंट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये आपको परसेंटेज बताएगा कि कितने परसेंट का आपको ग्रोथ मिला है, लेकिन इसमें टाइम कंसिडर नहीं होता है। जनरली ये एब्सोल्यूट रिटर्न वहाँ पर दर्शाया जाता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम हो। लेकिन यदि आपका पैसा 1 साल से अधिक, 3 साल तक या और अधिक समय तक के इन्वेस्टेड रहा है, तो एनुअली कितना रिटर्न मिला है ये जानने के लिए आपको दूसरी टर्म जानना होगा, और वो टर्म है सीएजीआर। सीएजीआर का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सीएजीआर आपको ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर समय के साथ साथ कितना रिटर्न मिल रहा है। सीएजीआर की मदद से आप ये तुलना कर सकते हैं कि किसी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड का दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले में परफॉर्मेंस कैसा है। अब सीएजीआर के फार्मूले की बात करें तो सीएजीआर का फार्मूला होता है फाइनल वैल्यू, मतलब जितनी वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट रहने के बाद आई है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, और टोटल्स की पावर जो है 1/n, मतलब n मतलब यहाँ पर है कि जितने साल तक आपका इन्वेस्टमेंट रहा है, टोटल का -1 × 100। ये आपको परसेंटेज बताएगा कि आपका पैसा कितने रिटर्न के साथ बढ़ रहा है। अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि यदि मिस्टर बीन ने 15,000 रुपये किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे और 6 साल बाद उसकी वैल्यू 25,000 रुपये हो गई, तो उसका सीएजीआर जो है वो कैलकुलेट होगा। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली जो निकल कर आता है वो है 8.88%। ये ईयरली रिटर्न मिला है, मतलब 6 साल का जो एवरेज ईयरली रिटर्न रहा है वो होगा 8.88% का। तो ये एक सीएजीआर के कैलकुलेशन से आप लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकाल सकते हैं। यदि हम इसी केस में, मिस्टर बीन के केस में ही एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो वो करंट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के हिसाब से और परसेंटेज निकालेंगे तो वो आता है लगभग 66%। लेकिन यहाँ पर हमको ईयरली रिटर्न देखना ज़रूरी है क्योंकि आपका पैसा 6 साल तक इन्वेस्टमेंट रहा है, तो इसके लिए सीएजीआर ही सही टर्म है जिससे आप तुलना कर पाएंगे अपने रिटर्न पोर्टफोलियो की। अब बात करें सीएजीआर भी केवल जो है लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में ही सही रिटर्न बताता है, लेकिन यदि आप एसआईपी करते हैं यानी किसी भी म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं यदि आप, तो दोस्तों एसआईपी के केस में सही रिटर्न जानने के लिए आपको आईआरआर जानना होगा। आईआरआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यदि कोई व्यक्ति हर महीने की तय समय पर कुछ रकम एसआईपी के माध्यम से निवेश करता है तो उसके हर माह के इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग सीएजीआर निकलेगा, जिसको कि एक्सेल शीट पर कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिपोर्ट निकल कर आएगी आईआरआर की, कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है हर महीने का उस पर फाइनल रिटर्न कितना बन रहा है। तो दोस्तों जब भी आप आपके म्यूचुअल फंड का, आपके जिस भी माध्यम से आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको उसमें आईआरआर और एक्सआईआरआर की वैल्यू दिखेगी कि इतना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि यही सही तरीका है, आपको दिखा पाता है कि आपके एसआईपी पर कितना रिटर्न है। अब यदि व्यक्ति रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट कर रहा है तो आईआरआर से पूरी पिक्चर क्लियर होती है।
लेकिन अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी महीने SIP स्किप कर दी, किसी महीने इकट्ठा पैसा जमा कर दिया, तो इंटरवल जो है आपका अगर रेगुलर नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो इस केस में रिटर्न जानने के लिए सही तरीका है XIRR, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका भी कैलकुलेशन CAGR के फार्मूले और एक्सेल शीट के थ्रू ही किया जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ फाइनेंशियल टर्म के बारे में जानकारी।